कालेबुङमा एक दिने रेशम मेला सम्पन्न। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारोबर द अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नै इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कालेबुङको वर्सिप केन्द्रमा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अन्तर्गत क्षेत्रीय रेशम अनुसन्धान केन्द्रको संयोजक तहमा एक दिने रेशम मेला 2024 सम्पन्न भएको छ। मेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा अतिरिक्त जिल्ला अधिकारी सुदीप्त दास तथा रेशम विभागका सहायक निर्देशक अभिजित गोस्वामी लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रकी इन्चार्ज डाक्टर रञ्जिता देवीले रेशम विभागका योजनाबारे जानकारी दिँदै कृषकलाई सहभागी हुन आग्रह गरेकी थिइन्। केबीकेका स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित डाक्टर वासुदेव खड्गाले एकीकृत खेती प्रणालीबारे प्रस्तुति दिए भने महाशङ्कर मजुमदारले कालिम्पोङमा मुगा खेती सुरु भएको जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा उत्कृष्ट 10 रेशम कृषकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा पेम्लिङ गिटाब्लिङ पेदोङ लगायत क्षेत्रका 200 भन्दा बढी किसानहरूको सहभागी रहेको थियो। लगभग 20-25 हजार रुपियाँ इन्कम हो सकता है, तो साल में आप दो बार एक कर सकता है एक फील्ड में, तो जून में एक क्रॉप होगा तो सितंबर में दूसरा क्रॉप हो जाएगा। करीब करीब दो सेरिकल्चर को कीरा पालन कसरी सुरु गर्यौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरू भन्दा चाहिँ अलिकति ब्याकवर्डै ठाउँबाट हौ, किनभनेदेखि हाम्रो चाहिँ फरेस्ट भिलेज हो, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड। डाक्टर रञ्जिता देवी, आम द इन्चार्ज अफ आरएसआरएस कालिम्पोङ। And the main motive of this program is to encourage the farmers, and we here not only encourage the farmers, we also tell them about the new technologies, and we have called these different experts also, so that if they have some constraint, they will be it will be clarified by the expert who had come. And here today we had been presided over by the assistant district magistrate, and sir was very happy with the activities which has been going on over here, and he also have told about the support he is going to give to us in future also. What are participants? The other participants are from the sister department, which is from Department of Sericulture, West Bengal, Assistant Deputy Director, sir. And we have also called experts from Muga sector, because here in Kalimpong, we do see that there is a scope of Muga also. And we also have KBK, wherein, as a hilly region in Kalimpong, we have a great scope for the integrated farming. So we have also called for his suggestions and also to clarify the doubts of our farmers. My Dr. Satadal Chakraborty, scientist D, Kendriya Resham Gavasana Onisandhan Samasthan, Bharampur se aaya hu. यह में आज का हमारा रेशम कृषि मेला आयोजित हो रहा है एक कालिम्पोंग में। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा रेशम कृषि मेला का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग रेशम खेती बाड़ी का हम लोग उन्नति करना चाहता है। कालिम्पोंग में हमारा कम से कम 100 से ज़्यादा कृषक यहाँ में रहता है, वो हमारा जो रेशम कृषि बाड़ी करता है उनको जानकारी के लिए, वो हमारा नया नया जो टेक्नोलॉजी होता है उनको जानकारी के लिए, नया नया जो हम लोग बारामपुर से केंद्रीय रेशम गवेषणा से जो प्रोजेक्ट हम लोग उद्भावन किया उनको जानकारी में है, जो कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि रेशम खेती में बहुत सारे अर्थनैतिक उन्नति होना चाहिए, होता भी है, लेकिन इनका लाभ कालिम्पोंग फार्मर्स का ये कृषक को भी लेना चाहिए। क्योंकि कल हमारा नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोग सीड, आज का बीज बनने के लिए, रेशम खेती का उन्नति करने के लिए बीज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक योगदान है, जो हमारा कालिम्पोंग दार्जिलिंग हिल एरिया में बंगाल में मरता है। अगर ये सिर्फ हमारा तूत चास नहीं है, मुगा चास को भी यहाँ में हम लोग बढ़ावा दे सकता है, जो एक बड़ा अर्थकारी फसल है जो हम लोग चासी लोगों को बढ़ा सकता है, क्योंकि उनका पास चाय का भी है, दूसरा भी है, लेकिन क्या होगा रेशम चासी करेगा तो उनको भी आय हो सकता है। ये हमारा
सबको ये जानकारी देने के लिए मेरा उद्देश्य है।